नमस्कार दर्शकों, प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाने जाने वाले भारत की पावन धरातल पर अनेकों ऋषि मुनियों, नाथों, सिद्धों, संतों तथा महामंडलेश्वरों का जन्म हुआ है। इन महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर धड़ की बाजी लगा दी और ऐसी भक्ति करके दिखाई जो आज तक इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, शेख फरीद, बाबा नानक, नरसी मेहता, नामदेव, पीपा ठाकुर, भर्तरी गोपीचंद, इन भक्तात्मों को कौन नहीं जानता। इन महान आत्माओं के संघर्षमयी जीवन को याद कर हर प्रभु प्रेमी आत्मा को परमात्मा की राह में चलने की प्रेरणा मिलती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक महान आत्मा के विषय में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और अंत में अपनी सिद्धि शक्तियों तथा अनेकों चमत्कार दिखाकर भगवान शिव के एक अनन्य भक्त के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी को नौ नाथों में से एक माना जाता है। गोरखनाथ एक योगी थे जो भारत में नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उनके गुरु का नाम मच्छंद्र नाथ था। गोरखनाथ जी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर विख्यात हुआ है। दर्शकों, आज के इस खास वीडियो में हम आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुई एक ऐसी ज्ञान गोष्ठी यानी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह ज्ञान गोष्ठी गुरु गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी के बीच हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं उस समय की जब गोरखनाथ जी स्वामी रामानंद जी को काशी में ज्ञान गोष्ठी के लिए आमंत्रित करते हैं। तब परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य की लीला कर रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष ही थी। स्वामी रामानंद जी व गोरखनाथ जी को ज्ञान चर्चा के लिए एक उच्च आसन पर बैठे थे। परमेश्वर कबीर साहिब जी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए स्वामी रामानंद जी के चरणों के पास जमीन पर बैठ गए। गोरखनाथ रामानंद जी से कहते हैं कि रामानंद जी, मेरे से ज्ञान चर्चा करो। बालक रूप में कबीर साहिब जी जमीन में खड़ा होकर बोलते हैं, हे नाथ जी, पहले मेरे से ज्ञान चर्चा करो, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात करना। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू कबीर, कब से योगी बन गया? कल का जन्मा और चर्चा करेगा गोरखनाथ के साथ, तेरी क्या आयु है और कब से वैरागी बन गया? परमात्मा क्या बोले, नाथ जी, तब से भये वैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते कि मैं कब से वैरागी हूं? धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरों अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना, धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। अर्थात कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, हम तब अकेले अनामी रूप में थे। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से हम वैरागी हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, ये चार युग तो मेरे सामने असंख्यों जा लिए। हमने ही पूरे विश्व में तत्वज्ञान को उजागर किया तथा सभी प्राणियों को अपने निजधाम सतलोक का ज्ञान करवाया। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, अरे तेरी उम्र ही क्या है, तू तो कल का आया बालक है। कबीर साहिब जी शब्द के माध्यम से कहते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी ही। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी।
अरबों तो बर्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते करोड़ों नरेंद्र मर गए, अलख नरेंद्र जी किस ब्रह्मांड के स्वामी, और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभू भी मर लिए 7 करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं, कोटन नारद हो गए ये मोमंद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी, नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट बेखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अर्थात कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी असंख्य युग प्रलय में चले गए, अरबों ब्रह्मा जी मर गए, 49 करोड़ कन्हैया उर्फ विष्णु जी और 7 करोड़ आपके शंकर जी की मृत्यु हो गई, फिर भी मेरा एक पल भी नहीं बीता, अर्थात मैं अविनाशी हूँ, गोरखनाथ जी में न ही बूढ़ा हूँ न बालक, यह तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। यह सब सुनकर गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्ध शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा, यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में आकर बातें करो। कबीर साहेब जी ने कहा, नाथ जी आप ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं न कि नाटकबाजी करने के लिए, आप नीचे आए तथा सर्व भक्त समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें। गोरखनाथ ने कहा, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप तथा आपके गुरुजी दुनिया को गुमराह कर रहे हो, आज तुम्हारी पोल खुलेगी, ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहब के बार बार प्रार्थना करने पर भी नाथ जी जब नहीं माने तो कबीर जी ने अपनी जेब में से एक कच्चे धागे की रील निकाली जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा हुआ था। कबीर साहब जी ने धागे का एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दिया, वह सारा धागा उस बंडल से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। कबीर जी जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर इस तरह बैठ गए जैसे जमीन पर बैठे हों। तब कबीर साहब जी ने कहा, आओ नाथ जी बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की लेकिन उल्टा जमीन पर आकर धड़ाम से गिरे। जिस प्रकार चुंबक की चट्टान के आगे चुंबकीय शक्ति वाले इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, इसी प्रकार सिद्धियों के भंडार पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की शक्ति के आगे गोरखनाथ जी की सिद्धि शक्ति ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के सामने सभी सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। गोरखनाथ जी की कोई कोशिश सफल नहीं हुई। तब गोरखनाथ जी जान गए कि यह कोई मामूली भक्त या संत नहीं है। तब गोरखनाथ ने कहा, हे परम पुरुष कृपया नीचे आएं और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दें, आप कौन शक्ति हो, किस लोक से आना हुआ है। तब कबीर साहेब जी नीचे आते हैं और कहते हैं कि ले मैं बताता हूं कौन हूं। परमात्मा बोले, सुन ले, अवगत से चल आया मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत हे गोरखनाथ मैं अवगत से चल आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तेरा ब्रह्मा जानता ना तेरा शंकर जानता ना विष्णु जानते, अवधू अवगत से चल आया मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया, मात पिता मेरे ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया जगत करो मेरी हासी, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हासी, पांच पांच तत्व का झड़न धड़ना मेरे
ये पांच तत्वों का दड़ना मेरा जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान्यज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दर्ता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्यज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दर्ता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यपद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यपद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। इस शब्द में कबीर साहेब जी गोरखनाथ को कहते हैं कि हे अवधूत गोरखनाथ जी, मैं तो अविगत स्थान से आया हूँ, जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस शाश्वत सनातन परम धाम सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ। वहां पर नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति को मिला, जो मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही कोई घर पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन यानी निराकार भगवान कहते हो, वह ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ, अर्थात वही मेरे विषय में सही जानता है। हाड़ चाम तथा खून से बना मेरा शरीर नहीं है। हे पुण्य आत्मा, आप काल ज्योति निरंजन के जाल में ही हो, न जाने कितनी बार आपके जन्म हो चुके हैं। कभी 84 लाख जूनियों में कष्ट पाया, आपकी चारों युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता, यदि आप मेरी शरण में नहीं आते। गोरखनाथ के मन में विश्वास हो गया कि यह कोई परम शक्ति है। फिर गोरखनाथ ने कहा कि मेरी एक शक्ति और देखो, यह कहकर गंगा की ओर चल पड़ा। सर्व दर्शकों की भीड़ भी साथ ही चली। लगभग 500 फुट पर गंगा नदी थी, उसमें जाकर छलांग लगाते हुए कहा कि मुझे ढूंढ दो, फिर मैं गोरखनाथ आपका शिष्य बन जाऊंगा। और नदी में जाते ही गोरखनाथ मछली बन गए। कबीर साहेब ने उसी मछली को पानी से बाहर निकालकर सबके सामने गोरखनाथ बना दिया। तब गोरखनाथ जी ने कबीर प्रभु को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और शिष्य बन गए और कबीर साहेब से सतनाम लेकर भक्ति की। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने जाना किस प्रकार गोरखनाथ जी कबीर साहेब जी से ज्ञान चर्चा में परास्त हो जाते हैं, फिर उनकी शरण ग्रहण करके उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। इस ज्ञान गोष्ठी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल देखें। वहीं वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की शास्त्र प्रमाणित सतभक्ति केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। उनसे मोक्ष मंत्र प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करवाएं।